आजादी अमृत महोत्सव के तहत दिलाई फिट इंडिया फ्रीडम की शपथ गंगापुर सिटी। नेहरू युवा केंद्र, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक रिजुल गर्ग द्वारा ब्लॉक गंगापुर सिटी में चलाया जा रहा फिट इंडिया फ्रीडम शपथ अभियान में आज राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय गंगापुर के प्रधानाध्यापक श्री विष्णु कुमार जोशी के मार्गदर्शन में 75वां आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत फिट इंडिया फ्रीडम शपथ दिलाई गई। व साथ ही फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज के मूल मंत्र का अनुसरण कर उन्होंने स्वयं और अपने परिवार को फिट रहने का संदेश दिया। इसी क्रम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हिंगोटिया के प्रधानाचार्य श्रीमान विजय कुमार जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि स्वयंसेवकों की एक अच्छी पहल की गई है, जिसमें कहा कि स्वस्थ व्यक्ति को अपनी शारीरिक व मानसिक स्थिति के लिए फिट होना अति आवश्यक है। साथ ही उन्होंने स्वयंसेवकों के रचनात्मक कार्यों की बहुत अधिक सराहना की। यह कार्यक्रम आगे निरंतर जारी रहेगा और गंगापुर सिटी स्थित मिशन टीम फिटनेस कोच अवधेश बंसल द्वारा भी फिट इंडिया के अंतर्गत एक अच्छा कार्य किया जा रहा है। इसी दौरान कोविड जागरूकता व वैक्सीनेशन के लिए भी प्रेरित किया। इसी क्रम में नेशनल यूथ वॉलंटियर रिजुल गर्ग, सीताराम गुर्जर, दुर्गेश शर्मा, कृष्णकांत गुर्जर, नागेश शर्मा, कुंज बिहारी शर्मा एवं आदि युवा टीम व स्टाफ मौजूद रहे। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 में हिस्सा लेने का संकल्प लेता हूँ। मैं स्वयं को फिट और स्वस्थ रखने के साथ ही अपने परिवार मित्रों एवं समुदाय को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करूँगा। सबल एवं समर्थ राष्ट्र तथा सक्रिय एवं स्वावलंबी समाज के निर्माण हेतु मैं अपने जीवन में रोजाना 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि को शामिल करने का संकल्प लेता हूँ। फिटनेस की डोज स्वयंसेवकों के द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट के तहत चलाया जा रहा यह अभियान बहुत सराहनीय है। प्रत्येक विद्यालय में जाकर के फिट इंडिया के तहत प्रतिज्ञा करवाना और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना नेहरू युवा केंद्रों के स्वयंसेवकों के द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है ये सराहनीय कदम है, अच्छा प्रयास है। इसके लिए और भी अच्छे प्रयास करने चाहिए। इनका ये केवल जगाने का प्रयास मात्र है। स्वयं नागरिकों को जागरूक होकर के अपने स्वास्थ्य के बारे में सजग होना पड़ेगा, तभी फिट इंडिया मूवमेंट का जो कार्यक्रम है वो सफल हो पाएगा।